सब लोगों को मेरा सलाम। और मैं इस वक्त नाजमाबाद जाने वाली रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जो कि एक तरफ तो आपका ये जो 10 नंबर का इलाका है, लियाकताबाद 10 नंबर, और वहाँ से ये रोड आ रही है। और ये इशारा जो है ये सीधी जाते जाते और ये साइड एरिया तक जाती है नाजमाबाद से होते हुए। इसके दोनों साइड्स के ऊपर फर्नीचर की शॉप्स हैं और ये बहुत पुरानी फर्नीचर की शॉप है जो लियाकताबाद का फर्नीचर मार्केट कहलाता है। और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़माने से ये है और बहुत पुरानी मार्केट्स है। और ये 4 नंबर लियाकताबाद कहलाता है। आगे इसके इरम बेकरी है, ये देख रहे हैं आप, ये सारे मार्केट है। ये इसमें फर्नीचर आपको मतलब मुतवस्सित तबके वाले लोग और हाई क्लास दोनों तरीके का, हाई क्लास का भी और लोग और लोएस्ट क्लास भी, तीनों क्लासेस जो है ना वो आपको यहाँ पे फर्नीचर के अंदर फर्नीचर की दुकानों में मिल जाएंगी। आगे की तरफ चलते हैं और ये वो रास्ता है जो कि हमें नाजामाबाद की तरफ ले जाएगा। तो आज हम आपको नाजामाबाद दिखाते हैं कि नाजामाबाद का पुराना नाजामाबाद कैसा था और कौन कौन सी जगहें वहाँ की बड़ी मशहूर हैं, वो जगहें मैं दिखाता हूँ। ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक इरम सिनेमा हॉल हुआ करता था और दो सिनेमा हॉल थे ऊपर नीचे, दूसरे वाले का नाम याद नहीं है। और ये लियाकताबाद का इलाका है, यहाँ पे फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर वगैरह मिलता है। और ये अंडर पास है एक, और जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, अब जो ये ब्रिज नज़र आएगा ये वो ब्रिज है, अमजद साबरी ब्रिज कहलाता है। यहाँ पे अमजद साबरी ब्रिज है और यही अमजद साबरी की रिहाइश भी थी इस पूरे पीछे वाले इलाके के अंदर। इसके बैक साइड पे अमजद साबरी रहते थे। Thank you.